कल्की कोचल का कहना है कि स्क्रीन का कलर अभी भी तय करता है कि एक अभिनेता को किस तरह की भूमिका मिलती है। जी हाँ, जहाँ कई लोगों का मानना है कि विभिन्न माध्यमों में पर्याप्त अवसरों के कारण भारत में एक एक्टर बनने का ये अच्छा समय है, वहीं एक्ट्रेस कल्की का कहना है कि स्किन का रंग अभी भी एक एक्टर की पेशकश की जाने वाली भूमिका को निर्धारित करता है, क्योंकि उन्होंने इसे पहली बार अनुभव किया। 38 वर्षीय जो अपनी प्रेगनेंसी और अपनी बेटी के जन्म के कारण पिछले 2 सालों से रुक रुक कर काम कर रही है, उनका कहना है कि इंडस्ट्री में अभी एक एक्टर के रंग को लेकर भेदभाव प्रचलित है। अपनी अलग अलग भूमिकाओं के बावजूद ये खुलासा करते हुए कि उन्हें अमीर लड़की की छवि में टाइपकास्ट मिला है, कोचलिन कहती हैं, मेरे पास एक निर्देशक ने मुझसे कहा है, मुझे लगता है कि आप इस भूमिका को पूरी तरह से करेंगे क्योंकि आप इसमें एक मानसिक भूमिका निभाते हैं। लोगों की मेरे बारे में ऐसी ही धारणा है और मैं काफी निराश महसूस करती हूँ। जाहिर है मेरी त्वचा के रंग के कारण मैं केवल इन उच्च वर्गीय पात्रों को ही निभा सकती हूँ। ये जवानी है दीवानी और ग्रेटा विद इस स्ट्रॉ जैसी फिल्मों का हिस्सा रह चुकी अभिनेत्री का कहना है कि इस चक्र से बाहर निकलने के लिए खुद को अलग करना होगा। वे कहती है कि कई कलाकारों के लिए भी यही सिचुएशन है। मैं एक सांवले रंग के अभिनेता को जानती हूँ जिसे हमेशा एक नौकरानी की भूमिका दी जाती है, इससे वह काफी निराश हो जाती है, सभी को बॉक्स में डाल दिया जाता है। मैं अपने रास्ते में आने के लिए सही भूमिका की प्रतीक्षा कर रही हूँ ताकि मैं खुद को चुनौती दे सकूं। बता दे वे अपनी अगली फिल्म गोल्डफिश के बारे में भी उत्साहित है जिसमे वह दीप्ति नवल की बेटी की भूमिका निभाती है, जहां वह अभिनेता दीप्ति नवल की बेटी की भूमिका निभाती नजर आएंगी। वो कहती है ये भूमिकाएं हैं जो उन्हें प्रयोग करने की इंडिपेंडेंस देती है, वे मानती है, लेकिन यह एक जोखिम था क्योंकि जब फिल्म की पेशकश की गई तो फिल्म में कोई निर्माता नहीं था। उन्होंने कहा आपको अपनी लड़ाई चुननी होगी, साथ ही एक अभिनेता के रूप में आप इस प्रकार की भूमिकाओं के लिए लालची होते हैं जहां आपको पात्रों को अलग करने और भूमिका में गहराई तक जाने को मिलता है। जब आपके पास एक होता है तो आप उस पर कूद पड़ते हैं। तो कुछ इस तरीके से अपने दिल की बातें की कल्की ने इस खबर में। तो बस इतना ही। आपको ये खबर कैसी लगी और इस पर आपका क्या कहना है हमें कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। साथ ही बॉलीवुड और टीवी की दुनिया से जुड़ी हुई ऐसी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए जरूर बने रहिएगा ओटीटी इंडिया के साथ। रग रग हिंदुस्तान।